नमस्कार दोस्तों, और ओरिजिन ऑफ टेक में आपका स्वागत है। और सबसे पहले जो न्यूज आ रही है OnePlus 9 सीरीज के रिगार्डिंग, इसने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है अपनी फर्स्ट डे की सेल पे। जो OnePlus 8 सीरीज में उन्होंने किया था उससे 324% ज़्यादा ये रिकॉर्ड करा है ब्रेक OnePlus 9 सीरीज ने। अब मैं ये मानता हूँ इंडिया में तो करा नहीं होगा, ना किसी और कंट्री में, ये रिकॉर्ड ब्रेक करा है चाइना में। इसका कारण क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है इंडिया की प्राइसिंग के और चाइना की प्राइसिंग से, आपको सबसे पहले ये भी देख लो कि वहाँ पे पॉपअप बॉक्स जो OnePlus 8 के टाइम इंडिया में भी रखे गए थे, अब वहाँ पे OnePlus 9 के भी पॉपअप बॉक्स आ रहे हैं, उनके साथ खूब चीज़ें वो फ्री भी दिए हैं। और सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि OnePlus 8 की प्राइस स्टार्ट होती थी वहाँ पे 3999 युआन से, और अब जो उसकी प्राइस है OnePlus 9 सीरीज की, उन्होंने स्टार्ट करी है 3799। सो आप ये देख सकते हैं OnePlus 9 की प्राइस OnePlus 8 से कम है, OnePlus 8 Pro की प्राइस आप वहाँ पे देखो 5399 से स्टार्ट हुई है उनकी जो करेंसी है, खुद की करेंसी। लेकिन अब जो आप 5399 वहाँ पे है, अब देखो OnePlus 9 Pro की 3999। मतलब ये तो श्योर है कि उन्होंने प्राइस का डिफरेंस कम रखा है, हेजल ब्लेड जो भी काम किया, लेकिन जो प्राइस 8 सीरीज से भी कम रखी है, लेकिन इंडिया में आप देखो 10,000 रुपये बढ़ा दिया है। इस कारण वो चाइना में 324% रिकॉर्ड उनकी फर्स्ट डे सेल तोड़ रही है। और आप ये भीड़ देख सकते हैं, चाइना में जो भी माल है उनके ऑफिशियल स्टोर से वहाँ पे भीड़ भर चुकी है। और ये ही नहीं, उनको जो पॉपअप बॉक्स भी मिल रहे हैं उसमें भी OnePlus प्राइस भी कम है, उसके बावजूद भी बॉक्स के अंदर आपको कवर हो गया, चार्जर वायरलेस हो गए, या फिर OnePlus पार्ट्स वो फ्री में दे रहे हैं। तो ये जो सेल है, जो रिकॉर्ड है, वो तो टूटना ही था, लेकिन इंडिया के साथ ऐसा नहीं हुआ। इंडियन कम्युनिटी बिल्कुल निराश हो चुकी है। कि आप चाइना में ही नहीं, यूएस कनाडा में भी देख लो, उनके जो 9 प्रो खरीदते हैं उनको बर्ड्स का स्पेशल एडिशन दिया जा रहा है, 9 के साथ बर्ड्स जेड फ्री दिए जा रहे हैं। यूरोप के भी आप ऑफर देखोगे तो 9 प्रो के साथ अगर प्री ऑर्डर करोगे तो आपको वहां पे ब्रेप चार्ज फ्री मिलेगा, ईयर्स बर्ड्स फ्री मिल रहे हैं। देखो जो OnePlus वॉच की प्राइस के साथ इंडिया की मार्केटिंग टीम ने क्या किया है, ये OnePlus ग्लोबल का गलती नहीं है, चाइना की गलती नहीं है, लेकिन जो मार्केटिंग टीम है इंडिया की, उन्होंने क्या किया है आप देखो। जो OnePlus वॉच की प्राइस है 16,999 रुपये, उसमें वो ऑफर दे के फिर भी आपको 14,000 कुछ ऐसे की पड़ेगी है, लेकिन आप इसकी लॉन्चिंग प्राइस देखो अमेरिका के अंदर $159 अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो INR में भी, इंडियन करेंसी में भी, तो ये वैल्यू लगभग आपको 12,000-12,500 रुपये की ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगी। अब क्या कैसे जस्टिफाइज करेगा इसको OnePlus इंडिया की, ये कॉस्ट वहाँ पे क्यों ज़्यादा है और इंडिया में क्यों ज़्यादा है, वहाँ क्यों कम है, तो OnePlus इंडिया की मार्केटिंग और जो PR टीम ही जाने उनको किन को रिव्यू भेजना है, जो अच्छा रिव्यू देंगे और जो वास्तव में बिल्कुल अनबाइस रिव्यू देते हैं उनको वो अपनी मीडिया किट नहीं भेजते हैं। ये तो उनकी जो प्रेस रिलीज टीम है, जो उनकी मीडिया की और जो उनकी मार्केटिंग टीम है, कैसे प्राइसिंग वो सेट कर रहे हैं, क्या ऑफर वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनकी कम्युनिटी को बिल्कुल निराश कर दिया है और ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कम्युनिटी के लिए। सो डेफिनेटली इनकी सेल्स डाउन होने जा रही है। आप देख लीजिए आने वाले टाइम में जो 324% है वो ओनली चाइना की वैल्यू है मैं मानता हूँ, क्योंकि वहाँ पे प्राइसिंग बेस्ट रखा है। हालांकि हम मानते हैं कि OnePlus ने हेजल ब्रेड के साथ काम किया है, लेकिन जब आप YouTube पे रिव्यूज देखोगे इसका नेगेटिव फीडबैक आया कि हेजल ब्रेड पे काम किया है, प्राइस बढ़ा दिया है, लेकिन इसका आउटपुट नहीं दिखा। लेकिन जो चाइना में है उनको OnePlus 8 सीरीज से भी कम में बेस्ट कैमरा मिल रहा है, हर चीज़ें मिल रही है, तो वो चीज़ें उनके लिए वैल्यूएबल बन गई है, लेकिन इंडिया और अदर कम्युनिटी के लिए वो चीज़ें वैल्यूएबल नहीं बनी है, जिस कारण से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम मैं मानता हूँ। आप क्या इस पर आपकी राय है कमेंट लिख के बताइए, आप इसे लाइक और शेयर करिए जिससे ये OnePlus इंडिया के पास पहुँचे, और आने वाले टाइम में पक्का है ऑफर तो आएंगे, लेकिन जल्दी से जल्दी ये ऑफर आए, जिन्होंने प्री बुक भी करा है और जिन्होंने बंडल किट बुक करे हैं उनके भी कुछ अच्छे ऑफर्स का वो फ़ायदा उठा पाए। सो ये एक वीडियो था आपके लिए, आपको ये वीडियो कैसे लगा बस आप कमेंट करके और लाइक करके इस वीडियो को बताइए कि कैसा आपका, आपकी क्या राय है इसके ऊपर। यूनिटी हाई प्राइस दे भी देती अगर उनका हेजल ब्लेड का आउटपुट वास्तव में वो ये देते कि हाँ कैमरा क्वालिटी आपका आईफोन 12 प्रो को, पिक्सल को और आपके सैमसंग S21 अल्ट्रा को फेल कर दिया है। कम्युनिटी हाई पैसे भी देती अगर YouTube रिव्यूज और उनके जो कंपैरिजन है उनका कैमरा वास्तव में एक अच्छा काम करते, तो कम्युनिटी का ये जो 10,000 रुपये उन्होंने बढ़ाया है तो आराम से देने के लिए तैयार थे।
जो प्रमोशन और मार्केटिंग में इस बार जितना पैसा इन्होंने खर्च किया उसके बजाय ये एक बेस्ट प्रोडक्ट और कॉस्ट रिडक्शन पे काम करते, तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट बेस्ट से बेस्ट होने वाला था। जिसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रोडक्ट खराब है, वन प्लस का फ़ोन मैंने खुद ने हैंड फिलिंग से भी देखा है, आप मेरे वीडियोज वहाँ पे जाके देखिए, चैनल पे देखिए, वहाँ पे स्पेशली ऑफलाइन स्टोर्स पे जाके मैंने यूज करके देखा है, फोन्स बेस्ट है, लेकिन जो प्राइस थोड़ी सी ओवर प्राइस के रूप में, और मैं ही नहीं सारे यूट्यूबर्स यही बोल रहे हैं इंडिया में स्पेशली, एक ओवर प्राइस की वजह से ये थोड़ा सा फ़ोन पिट रहा है। अगर इसकी 5000 से 6-7 हज़ार रुपये कम प्राइस होती, ऑफर अच्छे दिए जाते, तो डेफिनेटली यहाँ पे 400-500% सेल्स इसकी ज़्यादा होने वाली थी, क्योंकि ये कम्युनिटी इसका वेट कर रही थी। 7 प्रो के बाद में एक यही फ़ोन था जिससे आशा थी हर कम्युनिटी को, 7 प्रो के बाद में 8 प्रो में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब ये थोड़ा सा फ़ोन कुछ अच्छा किया था, लेकिन इसमें प्राइस ओवर प्राइस कर दी। सो हम आशा करते हैं आप इस वीडियो को शेयर करेंगे वन प्लस इंडिया के साथ, और डेफिनेटली वो हमें सुनेंगे। सो मैं विदा लेता हूँ इस वीडियो के साथ।